हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 22 दिसंबर 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है मोहम्मद सिराज और उसके साथ ही जसप्रीत बुमराह की ट्रेड के रिगार्डिंग, जहां पर कल मोहम्मद सिराज की साइड से हमें एक स्टोरी देखने को मिली थी, जहां पर उन्होंने काफी सारे हार्ट ब्रेक इमोजीज अपनी स्टोरी के ऊपर पोस्ट किए थे और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा रूमर्स हमें देखने को मिले कि मोहम्मद सिराज शायद हमें आरसीबी की टीम को छोड़कर किसी और टीम में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि सेम चीज हमें देखने को मिली थी जसप्रीत बुमराह की साइड से भी, जिसके बाद ऑलरेडी अब ये रूमर्स आने लगे हैं कि जसप्रीत बुमराह और उनके साथी मोहम्मद सिराज की हमें एक टीम से दूसरी टीम यानी कि आरसीबी से एमआई में ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बारे में हम आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको इसके बारे में कंफर्म अपडेट और सारी की सारी ट्रेड के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर आप लोग फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके बाद आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मिचेल स्टार्क की साइड से, जहां पर मिचेल स्टार्क इस साल आईपीएल के सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर थे। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि मिचेल स्टार्क की अवेलेबिलिटी हमेशा से ही एक प्रॉब्लम का कंसर्न रहती है। पहले तो उनकी अवेलेबिलिटी इश्यू बन जाती है, उसके बाद उनके फिटनेस में भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये प्लेयर इंजरी प्रोन है। और अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि मिचेल स्टार्क की जो वाइफ है एलिसा हेली, उनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भी मिचेल स्टार्क इस आईपीएल के काफ़ी बड़े पार्ट को स्किप करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदों के साथ स्टार्क को अपनी टीम में शामिल किया था, उनके लिए काफ़ी बड़ी जो बुरी खबर है वो निकल कर आ सकती है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है टॉम करन की साइड से, जहां पर टॉम करन अब हमें सस्पेंड होते हुए नजर आ चुके हैं। आपको याद होगा आईपीएल की नीलामी में आरसीबी की टीम ने टॉम करन को अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन अब इन्होंने ऐसा बिहेवियर किया है कि इनको बीबीएल के 4 मुकाबलों से सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल टॉम करन मुकाबला स्टार्ट होने से पहले, सबसे पहले तो जिस पिच के ऊपर क्रिकेट खेला जाता है उस पिच के ऊपर वॉक कर रहे थे, और रूल्स के हिसाब से आप पिच के ऊपर वॉक नहीं कर सकते हैं जब तक कि मुकाबला कंप्लीट ना हो जाए। तो इसी बारे में जब टॉम करन को अंपायर की साइड से वार्निंग दी गई तो टॉम करन ने अंपायर को ही धक्का दे दिया, और उसके बाद ये वापस से हमें फील्ड के ऊपर वॉक करते हुए नजर आए। इसकी वजह से टॉम करन को अब बीबीएल से 4 मुकाबलों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो आरसीबी में आने से पहले टॉम करन ने इस तरीके की हरकत की है जो कि इनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रविचंद्रन अश्विन की साइड से, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने अब कगिसो रबाडा की ट्रेड के रिगार्डिंग एक काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर अश्विन जो कि अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी के सभी आईपीएल टीमों के ऑक्शन के स्क्वाड को रिव्यू कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि उनके हिसाब से कौन सी ऐसी ट्रेड है जो कि आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी। तो अश्विन ने बताया कि क्योंकि करेंटली सेकंड ट्रेड विंडो चल रही है और ऐसे में उनके हिसाब से कगिसो रबाडा ऑलरेडी 2 से 3 आईपीएल टीमों के कॉन्टैक्ट में है। हालांकि अश्विन ने अपनी वीडियो में कहा कि उन टीमों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन इसके बावजूद कगिसो रबाडा जल्दी ही हमें आने वाले दिनों में किसी आईपीएल टीम में ट्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है फिल सॉल्ट की साइड से, जहां पर फिल सॉल्ट जो कि हमें लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में देखने को मिले थे, इनको जितने भी मौके दिए गए थे उसमें इनका परफॉर्मेंस हमें ठीक ठाक देखने को मिला था। लेकिन इस बार जब आईपीएल की नीलामी में इन्होंने अपना नाम दिया तो ये अनसोल्ड चले गए, यानी कि किसी भी आईपीएल टीम ने फिल सॉल्ट को नहीं खरीदा था। और उसके बाद फिल सॉल्ट ने शायद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में कोई सीरीज चल रही थी जिसमें इन्होंने सेंचुरी लगाई थी, और उसके बाद आईपीएल और आईपीएल की फ्रेंचाइज के ऊपर इन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो की है। फिल सॉल्ट ने बताया है कि जब आईपीएल का ऑक्शन स्टार्ट हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, इनको पूरी पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई आईपीएल टीम इनको ज़रूर पिक करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर इनको जितने भी चांसेस दिए गए थे उसमें इनके हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन ये अनसोल्ड चले गए और इस बारे में ये काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। तो ऐसे में अब हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि अगर कोई रिप्लेसमेंट प्लेयर्स आते हैं तो फिर उसमें फिल सॉल्ट को किसी प्लेयर के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल कर लिया जाए। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस की टीम की साइड से, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया और मल्टीपल न्यूज सोर्सेज ने वापस से क्लेम किया है कि गुजरात टाइटंस की टीम वापस से हार्दिक पांड्या और उनके साथी रोहित शर्मा के बीच में जो अनबन हुई थी उसका फायदा उठाने का ट्राई कर रही है। दरअसल गुजरात टाइटंस की टीम खुश नहीं है कि एमआई की टीम ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड किया था, जिसके चलते अब ये चाहते हैं कि रोहित शर्मा अगर गुजरात टाइटंस की टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इनको लगातार ऑफर प्रोवाइड कर रही है। हालांकि बीच में मुंबई इंडियंस के जो ओनर हैं आकाश अंबानी, उन्होंने कंफर्म किया था कि रोहित शर्मा एमआई की टीम को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद गुजरात टाइटंस की टीम अभी भी रोहित शर्मा को लगातार ऑफर्स दे रही है कि अगर वो चाहते
हैं, तो फिर जीटी की टीम उनको कैप्टन बनाने के लिए तैयार है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की साइड से, जहां पर SRH की टीम करेंटली IPL की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड हमें नजर आ रहा है। SRH की टीम ने जिस तरीके से ऑक्शन प्ले किया वो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अब एक तरीके से SRH की टीम की इतनी अच्छी स्क्वाड बन चुकी है कि इनके लिए खुद ही सरदर्द होना स्टार्ट हो चुकी है कि कौन से प्लेयर को ये टीम में रखेंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 4 टॉप क्लास प्लेयर्स थे जो कि इनकी टीम में हमें देखने को मिले थे, हेनरी क्लासन, ग्लेन फिलिप्स, एडन मक्रम और उनके साथ ही मार्को यानसन। इन 4 प्लेयर्स के होने के बावजूद इन्होंने जिन बड़े प्लेयर्स को परचेज किया जैसे कि ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और उनके साथ ही वनिडु हसारंगा, इसके बाद तो बिल्कुल ही SRH की हालत ऐसी हो चुकी है कि किसी भी प्लेयर को बाहर नहीं बिठा सकते। यानी कि अब इन जो बड़े बड़े 8 प्लेयर्स हैं इनमें से 4 प्लेयर्स तो हमें बाहर ही बैठते हुए नजर आएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि SRH की टीम का ऑप्शन कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छा चला गया है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग, जहां पर T20 वर्ल्ड कप जो कि इस बार हमें US में होते हुए देखने को मिलेगा, उसमें डेट आ चुकी है भारत पाकिस्तान मुकाबले की, 8 या फिर 9 जून को हम सभी लोगों को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला न्यूयॉर्क में होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेला जाएगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी।